वेलकम टू GTA इंडिया गेम। तो आज मैं आपको RGS टूल के बारे में कुछ सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को RGS टूल के बारे में कुछ सीक्रेट्स नहीं पता। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको गेम प्ले में बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल निकाल के हमने यहाँ पर सेटिंग में जाके UI ऑफ लगा देना है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो तकरीबन हाइड हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑन करके खेलें तो इसमें ऑन लगा के UI वाला सेम हो जाएगा, ठीक है, फिर ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट, लेकिन सेकंड वाला हमारा आ जाएगा शोरूम वाला। तो चलते हैं अपनी शोरूम वाली तरफ। यहाँ की ग्राफिक्स बहुत ही अमेजिंग है गेम्स के, लाइक GTA 5 भी मैंने खेला है, लेकिन ये ग्राफिक्स जो है ना बहुत अमेजिंग है एज कम्पेयर टू MB's। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं शोरूम की तरफ, लेकिन हमारा शोरूम बिल्कुल खाली है। तो चले हम इस कार को यहाँ पर रोक के और अपने शोरूम को कारों से भर देते हैं। तो सिंपली हमने कोई कोड नहीं लगाना, यहाँ पर भी हमने RGS टूल का इस्तेमाल करना है। यहाँ लिखा हुआ है कार शोरूम, तो सबसे पहले हमने वापस जाना है सेटिंग में और RGS टूल में लिखना है कार बाय। अब यहाँ पर आ गया बाय वाला, कार वाला, दोनों हम लगा के जैसे हमने इंटर कर देना है तो ये हमारे शोरूम में ऑटोमेटिकली कार आ जाएंगी। लेकिन इसमें कुछ ऐसी प्राइवेसी है कि आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, ये खुद ब खुद फिर इसके अंदर शोरूम में कार एंड हो जाएंगी। लाइक आपने यहाँ से दूर जाना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा दूर जाना है, यानी इस रोड से लेके उस रोड तक जाना है आपने। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहे हो, मैं इस रोड तक पहुँच चुका हूँ। अब दोबारा से मैं अपने शोरूम वाली साइड जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही आपको ज़बरदस्त ग्राफिक्स मिल रहे हैं इस थोड़ी सी मतलब MB's में। तो देखें भैया, हमारी शोरूम के अंदर गाड़ियाँ आ चुकी हैं और बहुत ही प्यारी सी लग रही हैं गाड़ियाँ, क्योंकि सब कार्स न्यू मॉडल हैं और न्यू मॉडल गाड़ी तो आपको पता है कि किसको नहीं पसंद। तो चलते हैं अपनी कार शोरूम में अंदर, देखते हैं कि कौन कौन सी कारें हैं। यहाँ पर एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि तीन नहीं है, चार पांच गाड़ियाँ हैं, लेकिन सारी न्यू मॉडल हैं। आई थिंक प्रीवियस जो अपडेट था उसमें इतनी गाड़ियाँ जो छः थी, लेकिन इस अपडेट के अंदर पांच गाड़ियाँ हो गई हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो गाड़ी पसंद आई वो रियल रेड कलर के अंदर। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसका अंदर इंटीरियर देखेंगे। वाओ, यहाँ से ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई भाई साहब, बहुत ही प्यारा इंटीरियर है। आई थिंक पहले प्रीवियस अपडेट में कुछ ऐसा तो नहीं था, लेकिन इस अपडेट में तो मतलब हैरान ही कर दिया सबको भाई। तो अगर आपने मोबाइल में गेम को अपडेट नहीं किया तो आप भी काइंडली गेम को अपडेट कर दें, और उसके बाद ये कोड लगा के RGS में आके आपने ये शोरूम वाले साइड पे आके आपने ये टूल लगा देना है। मैं इस कार को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कार बहुत पसंद आई है। तो चलते हैं अपनी दोबारा दूसरे टूल की तरफ। यहाँ पर हमने जेट लगाना है। जेट टूल से क्या होगा, जितने भी जेट्स होंगे वो सारे आसमान पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने जेट को बुलाना है ताकि वो जो एरोप्लेन हैं उन भी उसके ऊपर देखेंगे कि जेट जो है आपस में लड़ते कैसे हैं। जब आप जेट को बुलाते हैं यहाँ पर स्काई पर, तो ये खुद ब खुद आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। हमने सबसे पहले हेलीकॉप्टर मंगा देना है ताकि हमें पता चले कि जेट आपस में लड़ भी रहे हैं या फिर खाली ऐसे स्काई में घूम रहे हैं, और जेट देखें कैसे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर प्रीवियस वाला जो अपडेट था उसमें भी यही था सेम, लेकिन इस अपडेट में भी यही सीन है कि भाई खाली जेट जो है वो खुद घूम रहे हैं, हमारा इससे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो नेक्स्ट जो होगा ना हमारा अपडेट होगा, उसमें मैं गेम जो है वो डेवलपर को बोल दूंगा कि हमें इस चीज़ का कंट्रोल दे दें और हम जेट को फ्लाई करके मज़ा ले सकें। यहाँ देखें भाई, जेट जो है फ्लाई तो कर रहे हैं लेकिन आपस में इनका बहुत ही कंट्रोल है, अदरवाइज हमारे साथ जो है ना अटैक नहीं कर रहे, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो हम ना यहाँ पर एक और जो है ना RGS टूल लगाने वाले हैं जिसमें हम अपनी लोकेशन को सेव करने में बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर हमने RGS पे लगाना है सेव। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे ये हमारा RGS टूल जो है हमारी पोजीशन को सेव कर देगा। इसी तरह हम जब भी वापस गेम स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट के बाद हम जब भी चाहेंगे अपनी गेम को दोबारा से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम आ चुके हैं गाइस फाइनली इधर अपनी हाउस पर। अब देखते हैं कि हम टेलीपोर्ट होते हैं कि नहीं होते। हमने इसलिए यहाँ पर दोबारा RGS टूल पर आके यहाँ पर लोड को लगा देना है। लोड लिखकर हमने जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी सेम लोकेशन पे आ जाएंगे। ये देखिए गाइस, बहुत ही अमेजिंग सा टूल है। हम इसको अगर यूज़ करें तो बहुत ही हमसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, और ज़्यादातर हमें गेम प्ले में ये बहुत ही मज़ा देने वाला है। भाई साहब, ये बंदा तो गया। चलो भाई, फाइनली ये चला गया बंदा। अब हम दूसरा टूल देखते हैं RGS टूल के अंदर।
हम अपने मोबाइल का कलर भी चेंज कर सकते हैं इसमें। तो हमारा लास्ट ये है कि हम उसको मोबाइल का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनली आपने फोन कलर लिख लेना है, यहाँ पर यू नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ आपने ओ इस्तेमाल करना है, सी ओ एल ओ आर। वाइट लिखा तो मेरा देखो ये स्क्रीन पर वाइट हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया, इसी तरीके से येलो हो गया, रेड मैंने वही मिसाल है, रेंडम कलर है हमारा। तो फाइनली गाइज हमने ये सारे मैंने अपडेट आपको जो है बता दिए हैं, आपको कैसे लगे आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट के थ्रू। तो मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।